बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है कोफ्ता कड़ी। कोफ्ता कड़ी बनाने के लिए जो अज्जा दरकार हैं उसमें सबसे पहले चिकन के ये कोफ्ते हैं, इनको तैयार करने के लिए 400 ग्राम चिकन का कीमा लेंगे, 3 सब्ज़ मिर्चें, 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर, 1 बड़े साइज़ का प्याज, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इन तमाम चीज़ों को पीस के इनका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये स्मूथ पेस्ट बन चुका है, अब एक स्ट्रेनर की मदद से इसके अंदर जो एक्सेस वाटर है उसको ड्रेन कर लेंगे। पानी ड्रेन कर लिया है, अब ये पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। मज़ीद इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक का, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया, 2 टेबलस्पून फ्राई चनों का आटा। एक अंडा लेंगे, उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और हसबे ज़रूरत इसमें शामिल करेंगे। अब इस सारे अमेजे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। चिकन कोफ्ता इस्तेमाल के लिए रेडी है। अब इनको जस्ट फ्राई करेंगे और फ्राई करके कड़ी में शामिल कर देंगे। कड़ी बनाने के लिए 250 ग्राम दही लिया और इसमें शामिल किया। 250 ग्राम दही लेंगे, इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। ये अच्छी तरह से बीट हो चुका है, अब इसमें 3 टेबलस्पून बेसन के शामिल करेंगे और इसको भी इसमें अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो गया है दही के अंदर, अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर। अब इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम सीजनिंग जो है वो दही और बेसन के मिक्सचर में शामिल कर दी है। 4 टेबलस्पून लेंगे ऑयल के, जिसमें से 2 कड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और 2 टेबलस्पून जो है वो भिगार के लिए इस्तेमाल करेंगे। 1 छोटा प्याज लिया है जिसको चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। भिगार के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो सबसे पहले कड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 1 लीटर पानी भी चाहिए हमें। मीडियम फ्लेम के ऊपर पैन रख लिए, सबसे पहले इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल देंगे। इसमें डालेंगे सबसे पहले ये चॉप किया हुआ प्याज और इसको हल्का सुनहरा फ्राई कर लेंगे। प्याज हल्का सुनहरी हो गया, अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा सौते कर देंगे। लहसुन अदरक थोड़ा सा सौते हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून पानी का डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे ये जो दही और बेसन का मिक्सचर बनाया है और इसको पहले अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो इसमें से ख़त्म हो जाए। ये अच्छी तरह से भून गया, अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसको लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे जब तक हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ना आ जाए। कड़ी गाढ़ी हो चुकी है, रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी जो है वो आ चुकी है हमारी। अब इसको एक साइड बर्नर पे कर देंगे और कोफ्ते जो है उनको फ्राई करेंगे। ऑयल हीट अप हो चुका है, अब इसमें ये कोफ्ते डालेंगे और इनको नाइस गोल्डन कलर में फ्राई कर लेंगे। पैन को हिलाएंगे ताकि कोफ्ते हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हो गए हैं।
अब इनको निकाल के कढ़ी में शामिल कर लेते हैं। इनको इसमें से निकाल देंगे कढ़ाई में से और डायरेक्ट ही कढ़ी में शामिल कर देंगे। ये देखें कोफ्ता कढ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसका भिगार तैयार कर लेते हैं। एक पैन में 2 टेबलस्पून लेंगे ऑयल के, 1 टेबलस्पून लेंगे प्याज का स्लाइस किया हुआ, 2 से 3 गोल कश्मीरी मिर्चें, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा। ये भिगार रेडी हो गया। अब इसको कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। कोफ्ता कढ़ी रेडी हो गई है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे सब्ज धनिया, चुटकी भर गरम मसाला पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। कोफ्ता कढ़ी अब रेडी टू सर्व है।